नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते की हमारी मेहमान है ग्वालियर घराने की शास्त्रीय गायिका कस्तूरी अत्रावलकर जी। बातचीत के पिछले हिस्से में आपने देखा कि किस तरह उनका संगीत सफर शुरू हुआ, किस तरह घर के माहौल में उन्होंने संगीत की शिक्षा शुरू की और फिर किस तरह उनका संगीत सफर आगे बढ़ा, ये जानने के लिए देखिए आज की बातचीत, जहां हम बात करेंगे उनके गुरुओं की और बातचीत करेंगे पंडित भीमसेन जोशी की भी। चलिए अब इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में आते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, और वो हिस्सा जुड़ा हुआ है आपके उस घराने से जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन सबसे प्रतिष्ठित घरानों में से है और जिसकी गायकी ही बहुत गंभीर मानी जाती है। जब आप धीर गंभीर बैठ के तसल्ली से सुनने का मन हो तो आप ग्वालियर घराने की पुरानी बंदिशें सुन लें या पुरानी जो भी चीज़ें उनके घरानों में मशहूर हुई हैं वो सुन लें, और उससे ताल्लुक है कस्तूरी जी का। तो पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि आपकी माँ का ताल्लुक भी था ग्वालियर घराने, ग्वालियर घराने जी। वो कैसे, उस सिलसिले की शुरुआत कैसे हुई थी? मम्मी हमें ग्वालियर घराने की जो भी बंदिशें है और राग सिखाए थे बहुत सारे, और उस टाइम में मैंने विशारद भी साथ साथ, जैसे कॉलेज का एजुकेशन चल रहा है साथ साथ विशारद भी हो रहा था, और मम्मी घर में ही सिखाती थी हमको बंदिशें।
उसका एक बहुत अच्छी तरह का मतलब आवाज, वैसे भी महाराष्ट्रीयन लोगों का जो एक खुला आवाज होता है वो बचपन से उसकी देन मम्मी का भी था और मुझे भी वही हम सबको देन थी। तो ग्वालियर घराना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा नजदीक का था, क्योंकि वो जो स्टाइल है गाने की वो हमारे ब्लड में ही है, तो उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और वैसे ही सीखते गए। और फिर आप जिन कलाकार के पास पहुंची संगीत की तालीम लेने के लिए, उनका नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है, बहुत ही आदर से लिया जाता है, पंडित विनायक तोरवी जी का। वो जी पहला दिन याद है क्या, जब पहली बार गुरु जी के पास गए थे, क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम था वो? हाँ, हमारा पोस्टिंग बैंगलोर में था और मैं डेस्परेटली ढूंढ रही थी कि मुझे कोई आगे का सिखाने के लिए जो घरानेदार तालीम हो और ज्यादा डीप वाली वो मुझे सिखाने के लिए कोई मिले। तो हमारे मम्मी के एक और भी गुरुजी थे पूना में, जो पुणे आकाशवाणी में जो सारंगी प्लेयर थे खाड़ीलकर करके, सो उन्होंने मुझे बताया कि कस्तूरी बैंगलोर में पंडित विनायक रहते हैं, तुम उनसे जाकर मिलो और वो तुम्हें गाना जरूर सिखाएंगे। सो फिर मैंने 2-3 बार कॉल किया गुरुजी को, तो गुरुजी तो उस टाइम में गल्फ में टूर पे गए हुए थे म्यूजिक के, तो 2-3 महीने तो बात ऐसी टलती रही कि अभी नहीं टाइम नहीं है, बाद में आओ ये करो। फिर एक दिन मैंने उनको बहुत ही ज्यादा वो जिद किया कि मुझे आना है कम से कम आपसे मिलने के लिए, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। और गुरुजी कैनरा बैंक में उस टाइम में वर्क करते थे, ही वॉज अ ब्रांच मैनेजर इन कैनरा बैंक बेंगलुरु। सो वो शाम को उन्होंने कहा शाम को आओ, मैं ऑफिस से आता हूँ उसके बाद आ जा। फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों उनको मिलने के लिए गए और गुरुजी ने बोला फिर कुछ गा के दिखाओ आई हो तो। सो मैंने एक मराठी नाट्य गीत उनको सुनाया, सो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एंड उन्होंने इमिडिएटली बोला कि ठीक है तुम आना मैं सिखाऊंगा तुमको। सो ऐसी उनसे सीखने की शुरुआत हुई, लेकिन मुझे उसमें बहुत डर था कि ये मुझे अगर मना कर देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी पर बाय गॉड्स ग्रेस ऐसे हुआ नहीं। और तब से फिर मेरा और डीप जो कहते, क्योंकि गुरुजी सिर्फ ग्वालियर नहीं गाते उनके गाने में, क्योंकि उनके गुरुजी जो है पंडित गुरुराव देशपांडे, सो जो धारवाड़ के बहुत ही फेमस गायक है, जो जिन्होंने भुर्जी खा साहब से जयपुर का लिया है और रामकृष्ण बुआ वजह से ग्वालियर का गाना उन्होंने सीखा है, तो ऐसा मिक्स गाना उनके पास है। सो गुरुजी भी वही स्टाइल से गाते हैं आगरा ग्वालियर एंड जयपुर। और उसमें बाद में गुरुजी का क्या हुआ कि पंडित भीमसेन जोशी, जो बहुत संयोगवश जो गुरुराव देशपांडे जी को बहुत गुरु गुरु समान मानते थे, जब गुरुराव जी की मौत हो गई उनके बाद मेरे गुरुजी बहुत उनको लगा कि अब मैं अनाथ हो गया, मैं कहाँ जाऊंगा अभी। सो पंडित भीमसेन जोशी ने उनको बोला कि आप मेरे पास आओ सीखने के लिए, तुम्हारा पहला तो गाना तैयार ही है, उसमें और एक घराने की हम जोड़ लगाएंगे जो किराने घराने का होगा। सो मेरे गुरुजी ऐसे चारों घरानों का गाना एकत्रित करके उनका एक अपना इंडिविजुअलिस्टिक ऐसे स्टाइल हो गया है। सो मुझे वो चारों घरानों का गाना ऑटोमेटिकली मिल गया। मैं आपको किसी भी शिष्य से ये कहना कि अपने गुरु को एनालिसिस करे या आकलन करे, बड़ा ही गलत प्रश्न होगा, लेकिन ये पूछा जाए अगर कि एक गुरु के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर, कलाकार के तौर पर तो बल्कि हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें जानती है, हम सब संगीत प्रेमी जी उनको सुनते आए हैं, उनको देखते आए हैं, लेकिन करेक्ट गुरु शिष्य के तौर पर जब आप जुड़ जाते हैं तो फिर वो एक कई बार एक पिता और बेटी जैसा रिश्ता भी हो जाता है। कैसे जी देखती हैं बिल्कुल। आप उनको, एक कलाकार के तौर पर, एक गुरु के तौर पर? वैसे होता था कि पहले पहले तो मुझे बहुत डर था, क्योंकि हम बैंगलोर में थे तब मेरे दोनों बच्चे उस टाइम में बहुत छोटे छोटे थे। सो मैं जाती थी और गुरुजी बहुत बिजी रहते थे, एक तो उनका बैंक भी था एंड बाकी भी उनके सीनियर स्टूडेंट्स थे बहुत। मुझे जब टाइम मिलता था तो वो मैं क्लास के लिए जाती थी उनके पास, सीखती थी गाना। और बाद में हमारा पोस्टिंग ग्वालियर में हुआ। गुरुजी दिल्ली हमेशा जब भी आते थे तो बैंगलोर में जो नहीं हो पाता था वो मुझे ग्वालियर में आने के बाद मिलने लगा, क्योंकि गुरुजी जब भी दिल्ली आएंगे तब वो 8 दिन का थोड़ा टाइम लेके आते थे और हमारे घर में आके
फिर सिर्फ संगीत यज्ञ चलता था आठ दिन, वो मुझे जितना भी हो सकता था उतना सिखा कर मैं रिकॉर्ड करके रखती थी वो सारा, और फिर बाद में उसको उसका रियाज करते रहो रियाज करते रहो, ऐसे ही मेरी संगीत की शुरुआत हुई। तो शुरुआतों में मुझे बहुत डर लगता था उनकी, क्योंकि उनका लेवल बहुत ही हाई था और उनके कंपैरिजन में मैं बहुत प्राइमरी स्टेजेस पे थी। लेकिन उन्होंने मुझे कभी डांट के कभी प्यार से कभी बिल्कुल, और इतना बड़ा दिल है उनका कि कभी आपको मायूस नहीं होने देते, कहते कि अरे नहीं होते रहता है, गलतियां होती है, तभी तो इंसान है ना, तुम सीखो उसमें से। और ऐसे करते 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 फिर मैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस की लेवल थी वहां तक पहुंच गई, और फिर उनको अच्छा लगता था कि हाँ अभी तुम बहुत अच्छा गाने लगे हो। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से सिखाया, और कभी ऐसे नहीं सोचा कि मैं ये इसको सिखाऊं या नहीं सिखाऊं, जो भी उनके पास है बहुत खुले दिल से सबको देते हैं विद्या, सिर्फ मैं नहीं, कम से कम उनके पास अभी तक 100 स्टूडेंट सीख के गए हैं, और जिसमें से कम 10-12 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, तो सबको एक जैसा प्यार करते हैं, सबको उतना ही खुले, मतलब जो कहते हैं ना आंतरिक, जो एक जिसको मराठी में हम बोलते हैं कि तिलमिलाहट होती है कि नहीं इसको ये आना चाहिए, इसको ये आना चाहिए और मेरे सामने तुम गा के दिखाओ, तो उनको शांति मिलती थी। कि मुझे बहुत बार ऐसे होता था कि एखादी कोई तान है या एखादा कोई पलटा जो है वो नहीं आ रहा है, तो मुझे फिर रोना आने लगता था। तो वो कहते कि मैं थोड़ी देर बाहर हॉल में जाके बैठता हूँ, तुम इसको तैयार करो और 10 मिनट में आता हूँ वापस, तुम मुझे ये गा के दिखाना। तो वो जब जाते थे तो मुझे अपने आप वो आने लगता था फिर ऐसे, क्योंकि एक थोड़ा सा रिस्पेक्ट और डर रहता है ना गुरु के सामने गाना, तो ऐसे बहुत प्यार से सिखाया उन्होंने मुझे। अच्छा, जब गुरुओं की बात हो रही है कस्तूरी जी, तो अपरोक्ष तौर पर इनडायरेक्टली अगर आप देखें, अच्छा मैं पहले क्षमा मांग लूं कि जो ये मेरे भी गले की हालत लगभग कुछ कुछ वैसी ही है, तो इसलिए मैंने गर्म पानी ले लिया। मैंने कहा मैं बातचीत के बीच बीच में गर्म पानी पीता रहूंगा तो थोड़ी स्थिति ठीक रहेगी। खैर, सवाल मेरा ये था कि पंडित भीमसेन जोशी का अपरोक्ष तौर पर आपके साथ जो जुड़ाव है, क्या आपके गुरु जी जी जब सिखाते थे, या जब, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई कलाकारों ने मुझे बताया कि हम गए और गुरु ने कहा कि आज तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं होगी, आज हम लोग बातचीत करेंगे सिर्फ। जरूरी नहीं जी कि जी हम सिर्फ, अगर गायकी सीखनी है तो हम रोज राग बिलावल और यमन या कोई चारुकेशी लेके बैठे और वही याद करेंगे, हम आज बात करें। करेक्ट। और कई बार शिष्य उस बातचीत से बहुत कुछ हासिल करते थे। क्या बहुत कुछ कभी सीखते आपके हैं। साथ भी ऐसा हुआ कि कोई पंडित भीमसेन जोशी जी का कोई किस्सा ऐसा रहा हो, या उनकी गायकी का, क्योंकि वो तो अपने आप में ख्याल गायकी का पूरा एक स्कूल है, पूरा का पूरा एक इंस्टीट्यूशन है, उनसे किस बिल्कुल सही, तरह, बिल्कुल सही। उनसे किस तरह से आपका अपरोक्ष या इनडायरेक्ट रिलेशन रहा? आपको बताऊं, मेरे गुरुजी जो है वो कीर्तनकारों की फैमिली से आए हुए, तो उनको बहुत अच्छी तरह से, मतलब एकदम रसाल वाणी में स्टोरिया या फिर कहानियां बताने का बहुत शौक है उनको। कभी भी थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो वो इतना उनके बारे में बताते हैं, और अपने गुरु का नाम लेते हुए उनकी आंखों से पानी आने लगता है, इतना प्यार भक्ति, और एक जिसको बोलते हैं ना इतना जो रिलेशन है वो इतना पक्का है उनका अंदर से गुरु जी के साथ। तो हमने मैंने बड़े गुरु जी, लेकिन उनका उनकी भी सभी कहानियां और उनके किस्से और पंडित भीमसेन जोशी जी के किस्से गुरु जी कभी थकते नहीं बताते हुए, और हम उसमें से इतना सीखते हैं। और वो भी है कि गुरु जी के साथ पीछे तानपुरे पर बैठ के जो डायरेक्ट परफॉर्मेंस की तालीम मिलती है वो भी मुझे भगवान की दया से बहुत मिली, क्योंकि हम 7 साल दिल्ली में थे पोस्टिंग पर हस्बैंड के, तो गुरु जी बहुत उस टाइम में पंडित ये अपना विनोद कपूर जी है और एक प्रेम शंकर झा जी और एक चतुर्वेदी करके है नोएडा में, तो ये लोग गुरुजी के गाने के बिल्कुल भक्त है, तो हर साल कम से कम 3-4 बार तो गुरुजी दिल्ली में आते थे, और उनके साथ मुझे पीछे बैठ के गाने का जो कुछ भी वो एक्सपोजर मिला है वो ट्रिमेंडस था, वो आपको क्लासरूम में बैठ के नहीं मिलता, जो डायरेक्ट स्टेज पर मिलता है। तो मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे वो भी बहुत कुछ मिला उनसे सीखने के लिए। वैसे हो सकता है अचानक कई बार तुरंत पूछा जाए तो चीजें याद नहीं आती, लेकिन अगर कोई किस्सा ऐसा पंडित
पंडित भीमसेन जोशी का याद आ रहा हो, जो गुरु जी ने शेयर किया हो, उनके रियाज को लेकर या उनके डिसिप्लिन को लेकर या उनकी गायकी को लेकर या उनकी गायकी के अंदाज को लेकर अगर कुछ याद आता है तो। हाँ, एक्चुअली पंडित भीमसेन जोशी कभी गाने के बारे में कुछ नहीं बोलते थे, और सिंप्लिसिटी में जीना ये उनका एक बहुत अहम हिस्सा था जीने का। कि आजकल हम देखते हैं कि महफिल में लोग बिल्कुल अच्छी तरह से सज धज के करना चाहिए वैसे, बट वो अपनी धुन में इतने मगन रहते थे कि उनको मुझे कुछ स्पेशल कुर्ता पहनना है या कुछ ऐसे जाना है स्टेज पे, ऐसे कुछ नहीं, जो भी सामने दिखा वो पहन लिया और कॉन्सर्ट के लिए चल पड़े। और सिंप्लिसिटी तो इतनी कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद बहुत बार उस टाइम में बैंगलोर में गुरुजी का मतलब भीमसेन जोशी जी का प्रोग्राम होता था और वो गुरुजी के घर में ही उतरते थे बहुत बार, तो आने के बाद प्रोग्राम से बहुत गाते थे ना, और इतनी ताकत लगा के, तो आने के बाद वो बहुत टायर्ड होते थे। तो जब तक खाना टेबल पे लगा रहा है तब तक गुरुजी बड़े गुरुजी बोलते थे कि सर मुझे एक पिलो दे दो, और नीचे जमीन पर सो जाते थे थोड़ी देर के लिए, मैं यहाँ लेट जाता हूँ, मुझे ठंडी फर्श अच्छी लगती है, मुझे बेड नहीं चाहिए। और वहां बैठे बैठे वो अपना उनका तंबाकू का पान लगा के वो उधर आराम से रेस्ट करते थे, जब तक गुरुजी के घर के लोग उनका सब फूड का अरेंजमेंट होता है, डाइनिंग टेबल लगता है, तब तक मतलब इतनी सिंप्लिसिटी थी कि कुछ भी ऐसे खास अंदाज नहीं कि मैं इतना बड़ा गायक हूँ या मुझे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, कुछ भी नहीं। घर में भी उनके मैं जाके आई हूँ, तो उधर उनके साथ जब मुलाकात हुई, कैसे हो, इतना ऐसे, बाकी कुछ नहीं, गाने के बारे में कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ जब साह लगा दिया उसके बाद आप समझ लो कि क्या गाना है वो। तो बड़े गुरुजी के पास ऐसे बहुत किस्से हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बड़े गुरुओं की, बड़े कलाकारों की खासियत भी यही होती है कि वो कई बार, जैसा मैंने कहा कि वो जरूरी नहीं है कि वो आपको बताएं कि हाँ थोड़ा पंचम थोड़ा सा और उसमें ताकत लगा लो या थोड़ा निषाद ऐसे कर लो, उनकी बातचीत जो होती है उस बातचीत में इतना कुछ सीखने को होता है, उसमें जीवन का, सही, सिर्फ संगीत का नहीं बल्कि जीवन का जो दर्शन है, जीवन की जो फिलॉसफी बिल्कुल है वो समझ बिल्कुल, में आती है इन कलाकारों से मिलने में। और आप इस मामले में निश्चित तौर पर सौभाग्यशाली हैं कि गुरु, जी, और गुरु बहुत के साथ साथ गुरु ऐसे लोग मिले आपको जिन्होंने आपको एक कलाकार के तौर पर गढ़ने में बहुत मदद की होगी। अगर बहुत मदद की। मुझे मुझे ये बताइए कस्तूरी जी कि जैसे नृत्य में होता है ना कि मान लेते हैं भरतनाट्यम सीख रहे हैं तो अरंगेत्रम होगा, गुरु जो है वो कहेंगी कि हाँ अब आप तैयार हो, स्टेज पे जाके परफॉर्म कर सकते हो। शास्त्रीय संगीत जी में भी गुरु कम से कम एक हामी भरता है कि हाँ बहुत दिन तुमने तानपुरा लेके पीछे बैठ ली तुम, या बहुत दिन तुमने मेरे साथ सुर में जो है साथ दे लिया, अब बैठो आगे, मुख्य कलाकार के तौर पर जाओ और कलाकार के तौर पर अपनी प्रस्तुतियां दो और गाओ। श्रोताओं को वो सब कुछ दिखाओ जो तुमने मुझसे सीखा है। ये समय कब आया आपके? जी, ये समय 10 साल के बाद जब गुरुजी मतलब गुरुराव देशपांडे की याद में एक ऑल नाइट म्यूजिक फेस्टिवल अरेंज करते हैं बेंगलुरु में, जहाँ पूरे रात भर मतलब बिल्कुल बड़े बड़े सब आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन पहला जो मान रहता है वो उनके स्टूडेंट का रहता है। सो मुझे 2010 में गुरुजी ने कहा कि तुम इस साल तुम गाओगी, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ हद तक पहुंच गई हूँ और मुझे चांस मिला वो वहां अपना संगीत प्रस्तुत करने का। मेरे बाद इनका था अपने बांसुरी के हरिप्रसाद चौरसिया जी का था, तो वो भी बैठे, सारे बड़े बड़े लोग ऑडियंस में बैठे हुए, और मुझे वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उस टाइम में मिली, और मैं गुरुजी का बहुत उसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ हमेशा, कि एक शिष्य को सिर्फ क्लासरूम में सिखा के फायदा नहीं, उसको स्टेज का एक्सपीरियंस एक्सपोजर देना बहुत जरूरी होता है, जो गुरुजी हर एक अपने स्टूडेंट के लिए करते हैं। अच्छा, अब हालांकि ये भी प्रश्न ऐसा है जिस पे अगर आप विस्तार से बात करें तो मुझे लगता है कि 40 घंटे भी शायद कम पड़ेंगे, लेकिन जो घराने हैं, जो सिस्टम है, चाहे वो ग्वालियर घराना हो, किराना घराना हो, पटियाला घराना हो, जी
जिनको भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक एक घराने के तौर पर मजबूती से देखा जाता है। उसमें ग्वालियर घराने जी की गायकी जो है उसको बहुत, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि बहुत एक धीर गंभीर किस्म की गायकी के तौर पर देखा गया है। क्या कुछ अलग है उस घराने की गायकी में, अगर आप थोड़ा बहुत कुछ समझा सकें? और क्या आज की जो जनरेशन है, जो अब बच्चे सीख रहे हैं या अब जो बच्चे सुन रहे हैं, क्या उनके टेम्परामेंट में वो सिंसियरिटी, वो सीरियसनेस है जो ग्वालियर घराने के या किसी भी घराने के शास्त्रीय संगीत के उसकी डिमांड होती है? ग्वालियर घराने का मैं कहूंगी कि आवाज का खुला लगाव और जो भी है आकार में गाना और बंदिश के शब्द लेके गाना और ताल के साथ। सिर्फ ग्वालियर में ऐसा नहीं है, जो जिसको अष्टांग गायकी उसी लिए बोलते हैं कि जो है ताल के साथ भी होना चाहिए, सुर भी होना चाहिए, लय भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। ये सब ग्वालियर घराने की जो बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं। ये अभी क्या हुआ है कि घराने की जो बॉर्डर लाइन्स है वो बहुत धूमिल सी हो गई है। और जैसे अभी मेरे गुरुजी का ही देखो, उन्होंने चार घरानों का गाना गाया है, सीखा है। तो नेचुरली क्या होता है कि आपका एक इंडिविजुअल स्टाइल उसकी वजह से तैयार होता है। जैसे उल्लास कशाळकर जी भी है, उन्होंने उनके भी तीन तीन चार चार घरानों की गायकी उन्होंने सीखी है। तो अभी आप अगर सुनेंगे तो हम स्पेशली उसको अलग से बाहर नहीं निकाल सकते कि हाँ ये पीस ग्वालियर का हो गया, ये किराना का हो गया, आगरा का हो गया, ऐसे नहीं। वो एक संदर मिल जाती है पूरी। तो आजकल ऐसे हुआ है कि जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं उन्होंने दो दो तीन तीन घरानों का सीखा ही है। तो जो भी बच्चे आते हैं उनको तो अभी ऐसे हुए कि उतना इंतजार करने का पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं है। तो 1 घंटा आते हैं क्लास में और गुरुजी जो भी बताएंगे तो, और उनको जल्दी रहती है कि मुझे स्टेज पे मैं कब गाऊंगा और मुझे जल्दी जल्दी आगे जाना है। तो अभी उतना घरानों का रहा नहीं है ऐसे मुझे लगता है। जो नई पीढ़ी है उसमें घरानों की बॉर्डर्स धीरे 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 वो धूमिल होती जा रही है। और मुझे इसमें एक चीज और लगती है, अब मुझे नहीं पता आप इससे सहमत होंगी या नहीं होंगी, लेकिन जैसे नृत्य ही हो गया, कथक हो गया, ये जयपुर घराना है, ये बनारस घराना है, या ये फिर लखनऊ जी घराना है, या तबला हो गया कि साहब ये अजराड़ा अजराड़ा है, ये दिल्ली है, हाँ लखनऊ यूट्यूब जैसी जो जगहें हैं, ये जो इसमें इतना सारा एक्सपोजर मिलने लगा, अगर आज से हम शायद 50-60 साल पहले आप अगर सीख रहे होते, मान लेते हैं आप ग्वालियर घराना सीख रहे होते आज से 60 साल पहले, और आप किराना का कुछ सीखना चाहते होते, तो आपके लिए बहुत मुश्किल था। आप पहले किराना घराने के गुरु को ढूंढें, फिर उसके पास जाएं, फिर अपना एक टेस्ट दें, फिर वो बताएं कि हाँ मैंने ये सीखा है। अभी क्या है कि अभी आपको कोई टेस्ट नहीं देना है। आज अगर आपको हम मान लेते हैं कि पटियाला घराने में कुछ सीखना है, तो आपके लिए बहुत आसान है, आप गूगल पे जाके पटियाला हाँ घराने की 500 चीजें मिल जाएंगी और बहुत आसानी से करेक्ट आप उसको कैच कर लेंगे। तो संभवतः ये जो तो बॉर्डर आप कह रही हैं, ये यूट्यूब और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ने इस बॉर्डर को और भी खत्म कर दिया है। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल सही। पर ये कैसा है ना, एक समुंदर की तरह है। यूट्यूब को तो मैं हमेशा जस्ट लाइक ओशन, इतना वास्ट है कि आप क्या ढूंढोगे उसमें। तो कम से कम, पर ओशन भी कहाँ से शुरू होता है? एक कहीं से बूंद होती है, पहले बूंद अंदर आनी चाहिए, इधर आनी चाहिए, तभी आप ओशन को ग्रास्प कर सकोगे। जो सीखना है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप पता करोगे कि जो लोग YouTube से सीखते हैं उनका पता चल जाता है कि अरे ये यहाँ से सीखा हुआ है, ये उनका खुद का नहीं है। तो जो भी है, एक मुझे लगता है कि कोई एक घराना लेके आपको कम से कम एक 4 साल 5 साल, मतलब मैं अभी 20 और 25 साल ऐसे नहीं, पुराने जमाने की तरह नहीं कह सकती हूँ, लेकिन एक कम से कम 4 5 साल किसी एक घराने की बिल्कुल नींव पक्की अगर आप करेंगे तो फिर आप आगे कोई घराना अपना सकते हो या जो भी उसके नजदीक का है। जैसे ग्वालियर के नजदीक में आता है किराना, भी नजदीक का है। किराना में खैर ताल और लय को थोड़ा सा कम महत्व दिया जाता है और सुर को ज्यादा है, बट थोड़े बहुत फर्क से ही इनका, इवन आगरा भी नजदीक का आता है ग्वालियर के, क्योंकि ग्वालियर में जो जो लयकारी भाग है वो सब आगरा आंगन ने उठा लिया है। तो
ये घराने हैं, आप एक बार अगर ग्वालियर का सीखते हैं 4-5 साल, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि मैं आगरा घराने का उसके उसमें ऐड कर सकता हूँ, या किराने का मैं उसका ऐड कर सकता हूँ। तो ये समझ आने के लिए भी आपको पहले किसी एक की नींव आपकी पक्की होनी चाहिए, जो यूट्यूबर नहीं हो सकती। बिल्कुल। और आप जो कह रही हैं वो तो कई बहुत बड़े बड़े गुरुओं को जब हम रागगिरी में इंटरव्यू करते हैं तो उन्होंने कहा है कि कई बार ऐसा हुआ कि कोई एक ही राग उन्होंने 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक सिर्फ एक राग सीखा, और किया उस है एक राग को सीखने के बाद इतने सारे रास्ते खुलते चले गए कि फिर बिल्कुल जैसा सही, आपने कहा, और एक साथ है सब सधे वाली बात है कि आपने एक घराने बिल्कुल की गायकी में अपने आप को पक्का कर लिया। और फिर जो माइन्यूट माइन्यूट डिटेलिंग्स हैं, आपने किसी घराने में तानों का महत्व है, कहीं कोई ताल का महत्व है, कहीं कोई सुर का महत्व है, कहीं बहुत करेक्ट गंभीर गंभीर किस्म की गायकी है, तो वो सब आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। लेकिन ये फैक्ट है जी, कि शास्त्रीय संगीत अब एक ऐसी आर्ट है जहां पर आपको शुरुआत में कहीं पर टिक कर उसको सीखना होगा बहुत अच्छी तरह से, बहुत बिल्कुल गंभीरता से। कस्तूरी जी, एक सवाल मेरा और है। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे कार्यक्रम भारत में, भारत के बाहर, यहाँ वहाँ प्रस्तुति आपकी हो चुकी है, लेकिन कुछ कार्यक्रम दिल के बहुत करीब होते हैं, कुछ कार्यक्रम कभी भूले नहीं जाते, लगता है यार अभी कल की ही तो बात है ये वाला कार्यक्रम हमने किया था। ऐसे अगर कुछ जी जी कार्यक्रमों का आप हमें मेमोयर संस्मरण हमसे साझा करें। हाँ, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टूर पर गई थी, वहां पर क्या होता है कि शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए मिलता नहीं है किसी को ऐसे लाइव। वो लोग इतना प्यार से, और जितना हमारे भारत में हम संगीत को परस्यू करते हैं, उससे कहीं ज्यादा परस्यूएशन मुझे परदेशों में दिखाई दिया, कि लोगों को वहां जाने के बाद हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा कल्चर, इसका इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा उनको लगने लगता है। फिर हर घर में कोई बच्चा को कोई नृत्य सिखाएंगे, म्यूजिक संगीत सिखाएंगे, या फिर कुछ लिखने का, साहित्य का किसी बच्चे में फ्लेयर हो तो उसको उसके लिए तैयार करेंगे। ये फॉरेन में जाके जब हमारे इंडियन लोग ही इतना तरसते हैं सब ये चीजों के लिए, जो हमारे भारत में प्लेंटी ऑफ अवेलेबल है, और कभी कभी ऐसे खेत से कहना पड़ता है कि उसकी कीमत हमें नहीं है उस इस समय, ऐसे लगता है, जो बाहर जाने के बाद उनको समझ में आती है। तो मैं जब गई थी प्रोग्राम के लिए, तो मेरा 3 हफ्ते का वो टूर था, और मैं जिनके घर में रही थी उनको मुझे सिखाना भी था गाना। तो लोग इतना मुझे मिलने के लिए आते थे कि दीदी आज प्लीज इतना सुबह का कोई राग हमको गा के सुनाओ, या फिर कुछ थोड़ा बहुत डिफिकल्टी है, नहीं पता चल रहा है आगे कैसे बढ़ना है, तो वो कुछ समझा दो, कुछ सिखा दो। 2-3 तबलिस्ट आए थे कि दीदी हमें प्रैक्टिस ही नहीं मिलती किसी के साथ, तो आपके साथ हम बजाने के लिए आएंगे। ये सब देख के मुझे वहां का जो टूर था मेरा, वो बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत अच्छा रहा, क्योंकि लोगों को उसकी जो कीमत है वो पता है, कि संगीत कितना कष्ट से आता है, उसके लिए बहुत मेहनत की है लोगों ने, तभी आप किसी हद तक या किसी ओहदे तक पहुंच सके हो। तो ये मुझे मेरा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का जो था, तो वो मुझे बहुत आज भी लगता है कि वाह, याद आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, वो प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हुए थे, और लोगों लोगों में इतना पेशेंस है। हमारे यहाँ तो लोग हड़बड़ा हट मचाते हैं, बीच में तालियां बजा देंगे, कोई उठ के चला जाएगा, कोई बातें करते हैं, कोई फोन की रिंग बजती, वहां पर लोगों को ये सब कुछ बताना नहीं पड़ता है, लोग इतने साइलेंटली म्यूजिक सुनना है मतलब म्यूजिक सुनना है, बाकी कुछ भी डिस्टरबेंस वहां नहीं होगा। तो एक आर्टिस्ट भी सामने इतना अच्छा क्राउड है और सुनने वाले श्रोता वर्ग इतना अच्छा है, तो गाने में भी उतना ही मजा आता है। तो मुझे वो ट्रिप और बहुत अच्छी लगी थी। और जैसे स्पेशली होता है कि कलाकारों के बीच में आपको जब गाने का मौका मिले, तो होता है कि नहीं, इनको सब पता है कि किस तरीके से गाना है, कैसा गाना होता है, कौन से घराने का क्या होता है, ये सब जब गुणी और जानकारों के बीच में जब आप गाते हो, तब उसका एक मजा बहुत अलग रहता है। तो वो भी मैं ले चुकी हूँ, मुझे उसके लिए बहुत सेटिस्फाइड हूं कि नहीं, मुझे अच्छी तरह से आया है। बिल्कुल सही बात है, ये तो फैक्ट है कि इवन अगर आप देश की राजधानी दिल्ली की ही बात कर लें तो यहाँ भी अब जो श्रोता आते हैं सुनने, उनकी जो
एपेटाइट है वो 40-45 मिनट की रह गई है। वो एक कलाकार को 40-45 मिनट से ज्यादा सुनना ज्यादा पसंद सुन करते हैं, नहीं फिर वो आपने सही कहा कि बातचीत शुरू हो जाएगी या सकते। हॉल खाली होने लगेगा। और रही बात अपने संगीत की कीमत, अपने संगीत की जो अहमियत है उसको समझने की, तो रागगिरी का तो प्रयास ही यही था, इसी प्रयास के लिए। वरना मैं तो एक खेल पत्रकार हूं, मुझे संगीत से सिर्फ लगाव है, ना ओहो, संगीत आता है और ना मैंने कभी सीखा है, लेकिन सिर्फ इसी मकसद से शुरू किया था कि इस आर्ट फॉर्म, इस ग्रेट आर्ट फॉर्म के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सकें। कस्तूरी जी, बिल्कुल आपने समय निकाला हमारे लिए, बातचीत की हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके, और कभी दिल्ली आऊंगी तो जरूर मिलूंगी आपसे। ओके, बिल्कुल, बहुत थैंक धन्यवाद, यू। बहुत बहुत धन्यवाद।